हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब देखो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी टीजीटी और पीआरटी तीनों की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कहाँ से निकली हैं इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कौन कौन से सब्जेक्ट से निकली हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं आपके सारे के सारे डाउट आपके सारे के सारे जो कन्फ्यूज है वो हम बिल्कुल हंड्रेड परसेंट क्लियर करेंगे ठीक है इसके अलावा मैं दूसरी बात बताऊं यदि आप बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो कि कहाँ से पीजीटी की वैकेंसी निकल रही है कहाँ से टीजीटी की वैकेंसी निकल रही है कहाँ से पीआरटी की वैकेंसी निकल रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से सारी सारी जानकारी देते रहेंगे ठीक है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेवेबल रिक्वायरमेंट के बारे में तो सी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी टेकन उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में पहली कंडीशन है पीजीटी की बात करते हैं पीजी विद मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स आपका जो पीजी है वो मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए बी एड विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स और आपका जो बी एड है वो भी मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स से होना चाहिए उसके बाद हम बात करें टी जी टी के बारे में आपका जो टी जी टी का क्वालिफिकेशन है उसमें पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन विद बी एड फिफ्टी परसेंट मार्क्स ठीक है मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में भी मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके बी एड में भी मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए ठीक है ग्रेजुएशन और बी एड दोनों में आपके मिनिमम मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए उसके बाद हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं यदि किसी कैंडिडेट के यदि किसी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में फिफ्टी नहीं है और उसने पी कर रखी है उन्हीं सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट उसके पास ग्रेजुएशन में था और उसकी पीजी में 50 परसेंट से ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई कर सकता है दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ यदि किसी कैंडिडेट की ग्रेजुएशन में मिनिमम फिफ्टी परसेंट नहीं है ठीक है उसने उसी सब्जेक्ट से पी कर लिया जो सब्जेक्ट उसके पास ग्रेजुएसन में था एज ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश लिटरेचर ये किसी के पास किस में थे ग्रेजुएशन में थे उसने इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से पीजी किया है और पीजी में उसके 50 परसेंट से अबो है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है ठीक है उसके बाद आता है पीआरटी के लिए ग्रेजुएट विद टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ई एन डी डी ई डी बी एड विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स ईच दो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड बी एड एंड नोट इज इन डी ई डी शुड हैव डन ए सिक्स मंथ ब्रिंग कोर्स इन एलिमेंट्री ई डी एन डी ईडी विद इन टू ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट पी आर टी ठीक है यहाँ पर दो ग्रेजुएशन प्लस दो साल का आपको कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में पी आर टी के लिए ग्रेजुएट विद टू ईयर डिप्लोमा दो साल के डिप्लोमा के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो ई एन डी या डी ई ई डी हो सकता है या फिर बी विद फिफ्टी मार्क्स हो सकता है ठीक है तो ये था पीआरटी के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया था वो उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर टीचर के लिए वो पहला बात तो कंडीशन उसके पास बी ग्रेजुएशन में उसने बी किया हो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर वो कंप्यूटर साइंस में उसने ग्रेजुएशन की हो जैसे बीटेक टेक कंप्यूटर साइंस या आईटी किया हो उसने या बीई किया हो उसने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विद ए लेवल कोर्स फॉर डी ओ मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन इन एंड कम्युनिकेशन ठीक है उसके बाद हम यदि यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज एज एक अप्रैल 2021 से आपकी यहाँ पर एज काउंट होगी यदि आप फ्रेशर हो लेस देन फाइव ईयर एक्सपीरियंस आपके पास मतलब आपके पास पाँच साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपकी एज चालीस से कम होनी चाहिए और यदि आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपकी एज सत्तावन साल से कम होनी चाहिए उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सैलरी की बात में बारे में तो सैलरी एज पर ए पी एस के अकॉर्डिंग मिलेगी जैसे बिल्कुल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है उसी तरीके से मिलेगी उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो दो अगस्त इसके लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करवाने की और आपका जो इंटरव्यू कॉल पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा आपका इंटरव्यू के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा चौबीस अगस्त दो इसकी लास्ट डेट है ठीक है फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वैकेंसी पी जी टी इंग्लिश पीजीटी पोलिटिकल साइंस पीजीटी केमिस्ट्री टी जी टी इंग्लिश टी जी टी हिंदी टीजीटी जोग्राफी टीजीटी टी साइंस टी जी टी मैथ टी जी टी सोशल साइंस टी जी टी साइंस टी जी टी संस्कृत टी जी टी म्यूजिक टी जी टी पी ई टी टी जी टी लाइब्रेरियन टी जी टी एस पी एल एजुकेटेड टी जी टी काउंसलर टी जी टी कंप्यूटर साइंस पी आर टी इंग्लिश पी आर टी हिंदी पी आर टी मैथ पी आर टी ई वी एस पी आर टी कंप्यूटर पी आर टी आर्ट क्राफ्ट पी आर टी पी ई टी पी आर टी म्यूजिक पी आर टी लाइब्रेरियन पी आर टी काउंसलर असिस्टेंट टीचर एंड जर्मन पार्ट फर्स्ट ठीक है तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनसे यहाँ पर पीजीटी टीजी और पी की वैकेंसियां थी तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट जानकारी थी अब मैं बताता हूं किसियां निकली कहां से हैं तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों आर्मी पब्लिक स्कूल इन दिल्ली से ये वैकेंसियां निकली हुई हैं दूसरी बात ये सारी की सारी वैकेंसियां कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की हैं ठीक है कैसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से ये सारी की सारी जानकारी है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ और बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों